8 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अगर आप अवैध कब्जा करके किसी जमीन पर रहते हैं और आपको रहते हुए 12 वर्ष बीत चुका है तो आप उस जमीन का यानी उस संपत्ति का मालिकाना हक रखते हैं। तो यह कैसे संभव है, कौन सा फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप पहले से ही इस जानकारी को जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं पूरे डिटेल से। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हम कई जगहों से अपनी जमीन या मकान दूसरे को कुछ समय के लिए दे देते हैं या कुछ लोग अपनी जरूरत अनुसार कई बार अवैध अतिक्रमण भी कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब ये जोखिम भरा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2019 को इस संबंध में एक बेहद अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति एडवर्स पजेसर उस जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने भी यह भी कह दिया कि अगर ऐसे व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह कानूनी सहायता भी ले सकता है। इस फैसले से साफ है कि अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए 12 साल की तय समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठाए पाए तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने 12 साल तक कब्जा कर रखा है उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक देते हुए यह बताया गया है। इससे पहले 2014 में उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति जमीन का अधिकार नहीं ले सकता है। साथ ही कहा था कि अगर मालिक जमीन मांग रहा है तो उसे यह वापस करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले में भी यह कहा था कि सरकार एडवर्स पजेशन के कानून की समीक्षा करें और इसे समाप्त करने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है। अगर 12 वर्ष के बाद उसे वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत की पीठ के अलग अलग दिए गए फैसले को देखते हुए इस मुद्दे को अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए बड़ी बेंच संविधान पीठ को रेफर कर दिया। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा, हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता है। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास उसे हटाने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अवैध कब्जे करने वाले ही कानूनी अधिकार मालिकाना हक मिल जाएगा। हमारे विचार को इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिक राइट मालिकाना हक टाइटल या हिस्सा इंटरेस्ट मिल जाने पर उसे वादी कानून के अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील करा लिया है तो जबरदस्ती हटाए जाने पर वहां कानून की मदद ले सकता है। पीठ ने लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स कब्जे की भूमि का अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति
संपत्ति पर लिमिटेशन परिसीमन की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। इसके फैसले के साथ ही कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला 2014, उत्तराखंड बनाम मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज 2017 और धर्मपाल बनाम पंजाब वर्क बोर्ड 2018 में दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। अगर उससे ज़बरदस्ती कब्जा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का निश्चित तौर पर व्यापक असर देखने को मिलेगा। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक हथियार बन जाएगा जिन्होंने दूसरे की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर आप अवैध कब्जा करने के बावजूद भी 12 साल बिता चुके हैं तो उस पर आप मालिकाना हक रखते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना तो न भूलें। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।